गुड मॉर्निंग कमानीसा, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप सबके हो गया काम? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं माई फैमिली। आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। और मैं यही प्रे करती हूँ कि जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं वो सब खुश रहे, उनकी सारी प्रॉब्लम लाइफ की सारी ख़त्म हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हों। तो हम लोग पहुँच गए थे डीमार्ट में, रानू भाभी सा और चारों बच्चे, दो स्कूटी से गए थे हम लोग। चल रही है दो ट्रॉली हमने ली है, एक ट्रॉली पे बिठाया था पहले कायरो और लव को, फिर कायरो को उतार दिया था, फिर कुछ को बिठा दिया था। वही ट्रॉली में चल रही है, रानू ने ली थी नैपकिन, उसको नैपकिन की जरूरत थी। तो वही बच्चों वगैरह को लेके आना, मतलब बहुत, किसी ने क्या डाला ट्रॉली में, किसी ने क्या डाला, सारी चीज़ें मतलब जो भी हाथ में आ रहा था सब डालते जा रहे थे। और ऊपर से ये जो बोलते हैं ना गेम और जो भी खिलौने वगैरह का जो एरिया था यहाँ पर, तो बच्चों ने घर के सारी चीज़ें डाल ली थी, सब बाद में हमने निकाली थी। फिर ये था स्ट्रॉबेरी वनीला आइसक्रीम, हम लोगों ने लिए चिच पॉपकॉर्न, वो इंजॉय किया। देखो भाभी सा, क्योंकि आइसक्रीम खा नहीं सकते अभी, मौसम ठंडा है और मेरा गला भी बीच में ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। मैंने सिर्फ जूस पी लिया था कुछ और लव के साथ, तो उसी में मेरा गला ख़राब हो गया था। फिर हम लोग निकल गए थे घर आने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, मामा साहब यहाँ है मकान का ओपनिंग, तो वहाँ जाना है, सत्यनारायण कथा वगैरह है। तो हम रेडी वगैरह हो चुके हैं, हमको 10 बजे जाना था, बट बोलते ना बच्चों के साथ में टाइम हो ही जाता है। 12 बजे की समथिंग हम मामा साहब के यहाँ पहुँचे थे, कथा भी लेट ही स्टार्ट हुई, तो जब खाना बन रहा है जब कथा स्टार्ट हुई। बजरंग बली महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। तो पूजा में मामा साहब और मामी साहब बैठे थे, ये मेरे 3rd नंबर के मामा साहब हैं और मामी साहब हैं जो पूजा में बैठे हुए। मैं आज आपको इस व्लॉग में मेरे 5ों मामी साहब से मिलाऊंगी। मामा साहब तो 5ों पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब नहीं आए थे। और कैसे हो आंटी जी? बस बढ़िया बढ़िया। कैसे हमरो कौन लेगा? हमरो कौन लेगा? ये मेरा किटुड़ा की संध्या नहीं आई, वो ऑफिस गई होगी। बाहर जा रहे तो बाहर ले जाओ, माँ से आने में देर नहीं करी, मामी से बाहर निकल रहे थे क्योंकि अभी ले चलो। बड़ा धमाका है। उस दिन पर्व का दिन था, धनवान लोगों ने कंचन ही कंचन का दान किया, ब्राह्मण ने बड़े प्रसन्न से पूजन की सब सामग्री ली और भगवान का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से भगवान लक्ष्मी जी सहित रत्न सिंहासन पर आकर विराजमान हुए और बोले कि ब्राह्मण मांग लो, जो मांगोगे वही दूंगा। महाकालेश्वर भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गजानंद गणपति महाराज की जय, अम्बे महारानी की जय, अष्टपूर्णा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, चामुंडा मैया की जय, तुलजा भवानी मैया की जय, आज के आनंद की जय, अपने माता पिता। तो सत्यनारायण की कथा हो गई थी ख़त्म, फिर चल रहा था हवन। तो वही मतलब काफ़ी अच्छी पूजा की। ये जो गुरुजी हैं बैरागढ़ के ही हैं, मतलब मेरे नानी सा के जो कुल के जो होते हैं गुरुजी, वो इन्होंने ही मेरी शादी भी करवाई थी, फिर आरती वगैरह की। फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह सारी ली, मामी साहब प्रसाद ही बांट रहे थे। तो वही मामी साहब के साथ बात चल रही थी कि गर्मी की वजह से मैं अच्छे से
पोशाक वगैरह नहीं पहन पाई, आप मेरा वीडियो मत लो, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, तो वही मस्ती मजाक। ये मेरे सबसे बड़े मामी सा है, ये सेकंड नंबर के मामी सा है, फिर इनको छोड़ के ये लास्ट फिफ्थ नंबर के मामी सा है, जो थर्ड नंबर के मैं आपको दिखा चुकी हूँ, फोर्थ नंबर के भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये मस्ती मजाक चल रही है सबकी मामी सा। मामी सा कहीं फोकस कर लो पूरा ही। फिर हम लोगों ने सबने बैठ के खाना खाया, तो वही खाना खाते खाते भी मस्तियां चल रही थी। फिर ये मेरे सबसे बड़े मामा साहब की लड़की जो मेरे पास बैठी उसके पास वाले, फिर सेकंड नंबर के मामी साहब, और जो चल के आई वो थर्ड नंबर के मामा साहब की लड़की है। तो मीन्स ये सारे मामा साहब की, हम जो बहनें हैं मामा साहब और मासी साहब और सब मिला के 9 बहनें, बट हम अभी 4 ही थे यहाँ, रानू और हम तीनों चारों पांचों थे मीन्स। बन गया पर वो वापिस नहीं बना अभी। राधा जल जल के हो जाए आशीष। जो ये मामी सा है ये फोर्थ नंबर के मामी सा, ये तो पूजा है मामा सा की लड़की, इनके नीचे जो बैठे ये है फोर्थ नंबर के मामी सा। फिर हम सबने की थी आइसक्रीम पार्टी, क्योंकि ऐसा बोलते बहन बेटी पतासे वगैरह बटाती है, तो हमने आइसक्रीम पार्टी दे दी, क्योंकि मम्मा और निशा दे रहे थे जो भी मिठाई और पतासे वाला जो काम रहता है, वो जब शुभ काम होता है तो हम लोगों का ट्रेडिशन है कि पतासे या मिठाई वगैरह बटवाती बहन बेटियाँ, तो वो दोनों पतासे वगैरह बटवा देंगे और हम चारों ने मिल के सबको आइसक्रीम पार्टी दे दी। तो इस तरीके से काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने मामा साहब के यहाँ, खूब मस्ती की, दिन भर पूरा उस वहीं हो गया था मस्ती करते करते। इनको सर्दी हो जाती है। मामी तो पूरे फोकस में रहेंगे आज के व्लॉग में। बांटते हुए आइसक्रीम जिसको खानी थी वही आइसक्रीम वाला बनता है। फिर मामी सा ने हम लोगों को गिफ्ट दिया ड्रेस, सारी बहनों को और मम्मा को सबको। तो ये बड़े मामा साहब की लड़की है, मुझसे बड़े हैं, तो सबसे पहले संध्या को, मतलब मैं जीजा नहीं बोलती हूँ, संध्या ही बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 6 मंथ का डिफरेंस है बस, तो वही वो मामी साहब उनको झेला रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा, फिर मेरे एक बाद निशा, पूजा, रानू, एक्चुअल में मम्मा को पहले करना था बट मम्मा कहीं बाहर चले गए थे, तो फिर हमको उन्होंने झेला दिया, फिर मम्मा आ गए थे तो फिर मम्मा को झेलाया था मामी साहब ने। तो ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के मामी साहब बैठे हुए हैं यहीं पर। थर्ड नंबर के जो मामी साहब हैं उनके यहाँ पर था मकान का ओपनिंग। जियो संख्या बाय बाय।
डबो आपको नहीं डबो दीदी सूट दे दिया पता से नहीं था आप पांडी को पुड़िया आप जरूर ले आया पूजा तू भी फिर रानू को सूट झेलाया फिर पूजा निशा को झेलाएंगे। तो ये जो विदाई की प्रोसेस थी जो की बट हमको वापस से आना है शाम को क्योंकि शाम को है सुंदरकांड लाइट को ले कोई बात नहीं है अरे करें करें मजे ले रहे हो तो पूजा के नहीं उठाए विश्वास है उनके तो ननंद भौजाई की चल रही थी मस्ती तो फिर पूजा को सूट झेलाया उसके बाद निशा को तो यही मस्ती मजाक चल रहा है सब कि एक ही सूट झेलाएंगे एक सूट में से दोनों बहन सिलवा लेना है इस टाइप से मस्ती चल रही थी। तो रिश्ते ऐसे ही होते हैं मस्ती मजाक करते हुए मतलब अच्छा लगता है बाकी सीरियस तो जीवन भर रहना ही है साथ में मिले तो 4 घंटे 5 घंटे मस्ती करो मजाक करो बस ऐसे ही पूरा दिन हमारा निकल गया। फिर शाम के टाइम पे हुई सुंदरकांड फिर हम लोग गए थे सुंदरकांड में हम लोग लेट ही गए थे अराउंड 10 o'clock पहुँचे थे मामा साहब के यहाँ। और जो ये त्याग करके प्रभु की शरण में जाता है भगवान इसको निश्चित रूप से आशीर्वाद देते हैं। भीष्म जी महाराज को भी आशीर्वाद मिला अब पूरी सेना राम जी की सीता मैया को राधा के लिए समुद्र की ओर बढ़ती जा रही है। उसके साथ माँ शब्द आपने कहीं नहीं सुना होगा अमेरिका मैया की जय लंदन माता की जय पाकिस्तान मैया की जय हम सब ने एक ही शब्द सुना है वो क्या सुना है भारत माता की जय। वो देश है जिस देश ने भरत भूमि पर जन्म लिया है जिस भरत भूमि पर जितने भी बड़े महापुरुष बोली सांवरिया से जी की आवाज नहीं आ रही कश्मीर।
एक ये भाई है जो कि वो टॉर्च तो बंद करो मेरी आंखों पे लग रही है, ये विशालिया है, ये सोनिया है, कहाँ है सोनिया? तो ये थर्ड नंबर वाले मामा साहब का लड़का है सोनू, ये पुणे में जॉब करता है, और ये सेकंड नंबर के मामा साहब का लड़का है, मतलब ये थर्ड और सेकंड नंबर के मामा साहब के बच्चे हैं। विशाल जो है नर्मदा झाबुआ में मैनेजर है मुंबई में अभी। फिर आरती की तैयारी थी, आरती होगी अब 12:15 हो गए थे समथिंग। तो ये सुंदरकांड का जो दोहा बोल रहे हैं, ये सतत जहाँ पूजा करते हैं वहाँ बोलने से जो भी अपनी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, तो वही वो बता रहे थे। और बहुत ही अच्छा गाना, मतलब इन्होंने भजन वगैरह गाया और सुंदरकांड भी बहुत ही अच्छा किया था, काफ़ी आनंद आया सबको। तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, इनकी पूरी जो ग्रुप है सब लोग ने बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर इसके बाद आरती होगी, अब आरती करेंगे। श्याम राम जय भगवान की जय, राम जी सरकार।